कैप्चर नहीं कर सकते, वो लाहौर कैप्चर करना चाहते थे, अल्लाह ने लाहौर के दरवाजे पर रुसवा किया। वो हमारी पूरे अटैम्प्ट थे, हमने कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कोशिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने काफी भी अटैम्प्ट किया, हमारा भी कैप्चर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, नतीजा हमारे हाथ में नहीं है, एक शुजात करे वो हमारा मिलास है, उसका हमने मुजाहरा किया। बच्चे ने सवाल किया है कि मीडिया के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, हम चुप क्यों हैं? बेटा हम चुप हैं क्या? नहीं बेटा, एक बात हम बता देंगे, हम खत्ते में पाकिस्तान, हमने कभी भी हिंदुस्तान को नहीं तोड़ा, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तोड़ा, हमने उनके इलाकों पर कब्जा नहीं किया हुआ, उन्होंने हमारे इलाकों पर कब्जा किया हुआ। और ये भी हम आपको बता दें, हम उनके साथ अमन से रहना चाहते हैं, वो हमारे साथ अमन से नहीं रहना चाहते, जंग को शुरू करेंगे, लेकिन खुशखबरी हम ये दे देते हैं कि इंशाअल्लाह खत्म हम करेंगे। आज हिंदुस्तान में 150 सरकारें तरीके काम कर रही है हिंदुस्तान की फेडरेशन के तौर पर, सबसे ज्यादा खतरा इंडियन की इंडिया फेडरेशन को मुसलमानों से नहीं है, नक्सलाइट से, मार्क्स से, तमिल से, नागर से, उन तमाम कौमों से तकरीबन 40-50% इंडियन फेडरेशन पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन इंडियन मीडिया ज्यादा पेट्रियोटिक कैंपेन गोल के साथ लिहाजा उन बातों को जाहिर होने नहीं देता। इंडियन फेडरेशन इस वक्त इतने प्रेशर में कि थोड़े दिनों के बाद हमने फैसला कर लिया कि हम सिखों की मदद करें, नक्सलाइट मार्क्स तमिल की मदद करें, बाय गॉड हम अल्लाह के भरोसे पर बात कर रहे हैं कि 3 साल नहीं लगेंगे कि इंडिया श्रीलंका के साइज का हो जाए। वो जिस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में बर्पा कर रहे हैं, जो उन्होंने हमारा खून बहाया, जो उन्होंने हमारी जहनों को बेवा किया, हमारी बेटियों को यतीम किया, इसका हिसाब हम उनसे लेंगे, ये बात हमको साफ है। सवाल बच्चे ने किया है, टू शुड बी द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दूसरी बात इकबाल ने जो सिफात बताई है, इकबाल ने जो उसके एट्रीब्यूट बताए हैं, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जाम अफसोस, उस हील भी विजनरी, हील भी जिसकी बातें तुम्हारे दिलों में उतरे हैं, हील भी स्पिरिचुअल बीइंग, और तूने मुझसे पूछी है इमाम की हकीकत, मुझसे इकबाल के शेर में फिर सुनाते हैं बच्चों जो उसमें द रियलिटी द विजन द विजन ऑफ अ ट्रू मुस्लिम लीडर, तूने मुझसे पूछी इमामत की हकीकत, मुझसे खुदा तुझको मेरी तरह साहिब इसरार करे, वही है तेरे जमाने का इमाम पर हक जो तुझे हाजिर और मौजूद से पेशार करे, मौत के आईने में दिखा कर तुझे मुझे दोस्त, जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार। मेरे बच्चों याद रखो, हमारे लीडर, हमारे रोल मॉडल, हमारे सरबरा, हमारे राहबर जब तक मैं अल्लाह से रसूल के रास्ते पर चलता हूँ मेरा साथ देना, जब मैं उसके रास्ते फटने लगा मुझे सीधा कर देना। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब से पूछा, अगर मैं अल्लाह के रास्ते से हटूं तो तुम क्या करोगे? एक नौजवान खड़ा हुआ, अपनी तलवार निकाली और कहा, ये करेंगे। सैयदना उमर ने कहा, अल्लाह का शुक्र मेरे दुनिया में इतना मौजूद है जो मुझको अल्लाह के रास्ते पर रखने वाली है, मेरे बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा हुक्मरान किस तरह आता है, अगर इलेक्शन से आए, फौजी टेक ओवर से आए, इंकलाब के जरिए आता है, अल्लाह से तुम्हारे ऊपर नाफिज करता है, वो कैसे करोगे, मटीरियल बात है,
بات یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ کے رسول کے حکم پر چل رہا ہے اس کے بات کرنا, جب وہ حکم سے ہٹنے لگے تو اس کو درست کرنا, نہ ہٹے پھر اس بات کی جائے گی کسی اور طرح. لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے تمہارے اوپر, اپنے آپ کو تیار کرو. تمہارا حق میں یہ بات کرتے ہیں, اللہ کی خوشخبری ہم تک پہنچا دی گئی ہے. اللہ اس قوم کو رسوا کرنے والا نہیں ہے ان شاء اللہ عزیز. اللہ نے عزت اس پاکستان کے لیے لکھی ہے, عزت تمہارے لیے لکھی ہے. جب اپنے رب کی مرضی کو سمجھو, خلی کے ترجمہ ہو جاؤ, خدا کے رازدار ہو جاؤ. ابھی سمجھ لو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ تو فیصلے کر چکا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کچھ خوش نصیب ہو گئے, کچھ بد نصیب ہو گئے. جب پاکستان کو بنایا جا رہا تھا کچھ خوش نصیب ہو گئے, کچھ بد نصیب ہو گئے. آج اس پاکستان کی تخلیق کا مشن اٹھایا گیا ہے, کچھ خوش نصیب ہوں گے, کچھ بد نصیب ہوں گے. صرف یہ فکر کرو تمہیں اللہ تعالیٰ تاریخ کے تقدیر کے اس دن میں رکھے جو خوش نصیبوں کی ہے, جو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی ہے, جو اللہ کے ولی اور فقیروں کی ہے, اور اس جماعت کی ہے جو حزب اللہ ہے. اور اللہ تم کو اس جماعت سے بچائے تو جو شیطان ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اب تم سے اجازت دیتے ہیں. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان